ये सामने ट्रेन आ रही है, इसके नीचे आज मैं लेट जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए मैं इसके सामने से नहीं हटूंगा, मैं आज मर के दिखा दूंगा आपको, देखे मैं कैसे मरता हूँ, देखे 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 देखे। जी वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू न्यू लुक। देखें यार तुम्हारे भाई ने न्यू लुक बनवा ली है। आप लोग बड़ा कह रहे थे यार आप लोग पता नहीं वो देवदास मूवी के शाहरुख खान लगते हैं, पता नहीं क्या लगते हैं आप, उजड़े हुए आशिक लगते हैं। तो मैंने कहा सर हम भी अपने लुक शुक चेंज करते हैं, सर हम भी कोई शाहरुख खान बन जाते हैं, सुबह सभी बाल छाल कटवाएं चेक करें, मुझे पता है बहुत मनहूस लग रहा हूं मैं, लेकिन बात तो सही है। कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरी तारीफ जरूर करनी है। और एक और बात, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज का सीन कुछ ऐसा है कि कटिंग शटिंग करवाई है, मैंने भी करवाई है, शिव ने भी करवाई है, तो हमने सीन बनाया कि हम लोग जाएंगे जरा अपनी कोई 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 बार की तस्वीरें बनवाएंगे। तस्वीरें बनाने के बाद इंस्टाग्राम पे जला के, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें चढ़ा के लड़कियों को जलाएंगे, मतलब बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा। तो चलते हैं, सबसे पहले वो लोग बाहर आ चुके हैं, उनसे जरा शेक हैंड करके जाएंगे, जरा DSLR वाले को ढूंढेंगे, जरा अच्छी सी 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21 तस्वीरें बनवा के फिर हम आप लोगों से गपशप लगाएंगे। सो आज का व्लॉग आपके लिए बहुत मजे का होने वाला है। वो क्यों मजे का होने वाला है, क्योंकि मेरे व्लॉग होते ही मजे के हैं यार। प्रोग्राम में ना चेंज आने का है, देखिए मैं वो थोड़ी सूट नहीं करी थी मेरे ऊपर, सब समझ रहे मैं शादी पे जा रहा हूँ, इसलिए वो मैंने चेंज कर दी। अब मैंने पहन ली है ब्लैक वास्कोट, क्या कहते हैं, वास्कोट कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं, शमीज कहती है, शमीज पहन ली हमने ब्लैक कलर की। बड़ा मजा आ रहा है यार, क्या हुआ, शमीज पहने, शमीज वास्कट कहते हैं इसको। ओए तो यार अभी हम चलते हैं अंदर, जाके अपनी तो बनाते हैं कोई 5, 6, 10, 12, 19, 20 तक तस्वीरें बनाते हैं। हम ना जब भी कहीं बोर होते हैं तो हम लेक व्यू आ जाते हैं, लेक व्यू सबसे प्यारा पार्क है यहाँ पर, मतलब कैमरे मैन बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ पर DSLR वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ एक टिप आपको देता हूँ कि फैमिली के साथ आप कभी भी लेक व्यू पार्क नहीं आएगा, वरना बहुत ही गंदा पार्क है, बदनाम जमाना पार्क है लेक व्यू पार्क, फैमिली के साथ नहीं आना चाहिए यहाँ पे क्योंकि बहुत गंदा पार्क है। अकेले आप आए, अकेले खौन करें, खौन कही तुम प्यारे नहीं आ रहे शुएब आज, तुम प्यारे नहीं आ रहे यार, चलो घर जाओ। ये कुछ जरूरी हदायतें पढ़ लें, पार्क के अंदर गाड़ी घुसाना मना है, पार्क के अंदर लड़की लेके जाना मना है, पार्क में रोमांस करना मना है, पार्क में असल आना मना है, पार्क में सफाई लड़की लेके जाना मना है, ऊपर लिखा है ना सबसे ऊपर। अच्छा एक मिनट अंदर, मुझे क्या लिखा, पार्क में लड़की लेके जाना मना है, सॉरी ना गलती होगी ना, सॉरी उधर लिखा हुआ नहीं है, सारे लड़कियां लेके आ रहा है, लिखा हुआ है यार। अच्छा मैं कोई लड़की का लिखा हुआ है, अच्छा यार लड़की जाना जाई में पड़ गया। मैंने आज सोच लिया कि मैं अपनी आज जान दे के रहूँगा, ये सामने ट्रेन आ रही है, इसके नीचे आज मैं लेट जाऊँगा, जो मर्जी हो जाए मैं इसके सामने से नहीं हटूँगा, मैं आज मर के दिखा दूंगा आपको, देखे मैं कैसे मरता हूँ, देखे 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 देखे। कैसा लगा मेरा मजाक, किस तरह मरते हैं यार चेक करें, ऐसे मरा जाता है। ये सामने है सारा डेट पार्क और मैं आया हूँ इनकी सबकी डेट खराब करने, मुझे बड़ा मजा आता है जब किसी की मैं डेट खराब करता हूँ ना, वो अपनी लड़की लेकर आता है, मैं बीच में अपना कैमरा खोल के चला जाता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, यकीन माने भाई हम नहीं तो कोई नहीं भाई, मैं खराब करता हूँ ना तेरा डेट, मैं खराब करता हूँ ना, मैंने कभी डेट मारी नहीं है तो कब मारी है, जो कल उधर पुल के नीचे मिला था उसका। कौन से पुल के नीचे है, कौन से पुल के नीचे, वही जो पंजग्राम वाला पुल है, पंजग्राम उधर मैं किससे मिला हूँ, लड़की से। यार ये गाइस झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पांच साल मस्जिद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कल किसी लड़की से नहीं, मेरा नाम मजाक किया करो मेरे साथ यार, तुम क्या कसम खुदा की अल्लाह के बंदो, मैं कल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कल किसी लड़की से पुल के नीचे नहीं मिला, बस पुल के ऊपर, पुल के ऊपर भी नहीं मिला, बस बताओ तुम, वीडियो बताओ इधर, आप दिखाओ वीडियो दिखाओ जल्दी करो, नहीं तो मेरे फैंस खराब कर रहे हो, उनको पता है कि मैं लड़कियों से नहीं मिलता हूँ यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये यार ये जंगल, ओए जो अंदर डेट मार रहा है बाहर आ जाओ शाबाश, क्योंकि आधी पाकिस्तानी कौम जंगल के अंदर डेट मारती है, बाहर आ जाओ, ओए कोई है, पास वाली वीडियो बना नहीं हूं। वो जो यूं नहीं बनती, चलो ओए आ जाओ शाबाश बाहर, शाबाश शाबाश बाहर आ जाओ, रेड होगी इधर, रेड पड़ेगी, शाबाश बाहर आ जाओ, ये नहीं बाहर आ दे यार, शुएब इनको बाहर निकालो ना, बाहर आओ, मैं आ गया हूँ भाई, बैठ गया हूँ आराम से कौन से, पहले मैंने रखा है अपना जूता ऊपर, उसके बाद मैं नीचे बैठूँ, मेरा एक जूता नीचे पड़ा हुआ है, एक जूता मैंने ऊपर रखा है, और बस मैं इसी तरह बैठा हूँ आराम से कौन से,
क्योंकि यार आपको पता है कि जूते की बड़ी वैल्यू है, बड़े महंगे मैंने जूते लिए, चेक करें आप ये, इसकी मैं आपको आउटफिट चेक करवाता हूँ जूते की, इतना मज़े का जूता आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। इसकी सिर्फ और सिर्फ प्राइस 5,000 रुपये है, और इसके जो फंक्शंस हैं उसके इसके फंक्शंस ये हैं कि तू किधर गिर गई यार, एक तो मेरी 10,000 वाली है ना गिर गई नीचे, पहले मैं इसको उठा लूँ। ओहो, अब मैं आपको दिखाता हूँ 5,000 वाले जूते की क्वालिटीज़ बता दो, फंक्शंस वगैरह। इसके तस्मे चेक करें आप, बाकी जूतों के तस्मे होते हैं बहुत मतलब कोई चीप किस्म के, इसके तस्मे बहुत मज़े के हैं। इसके तस्मों के साथ अगर आप वो रस्सा कशी खेलें तब भी कुछ नहीं होगा, अगर आप कहीं गिर रहे हो अगर आप इसको पकड़ लें तब भी आप बच जाएंगे। और इसकी क्वालिटीज़ ये हैं कि अंदर से बहुत सॉफ्ट है, चेक करें, बिल्कुल सॉफ्ट सा जूता है अंदर से। और नीचे से इसका ये है कि नीचे से ये कोई 41 नंबर का जूता है, जिसको पड़ता है उसको अपनी नानी याद आ जाती है। और चेक करें, बिल्कुल थोड़े से घिस चुके हैं, लेकिन नीचे मैं सोच रहा हूँ टायर लगा दूँ कि मेरे जूते ख़राब कभी ना, ज़िंदगी भर ख़राब ना हो। और बस ये मेरे जूते की क्वालिटीज़ हैं, और अगर आप किसी और चीज़ की क्वालिटीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ये मेरी ऐनक है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये मैंने ली थी कोई 10,000 रुपये की सेंटोरस से, और इसकी क्वालिटीज़ ये हैं कि इसमें आपको मतलब जो लड़का है वो आपको लड़की नज़र आती है, जो लड़की है वो आपको लड़का नज़र आता है, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए मैं अपने पास अवेयर की भी अपने पास रखी। और वो सामने रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि उसकी तस्वीरों का कैसा रिजल्ट आता है कैसा नहीं, तो मैं इधर बैठ के आराम से बैठ। सारे तारे तोड़ ले आवा, तेरी कदम च रख दे मैं, एक बारी साढ़े कोल तू आ जा, कौन मंगा तेरे कोलो मैं, आंजुआ विच डोग न सानू, अपने दिल विच रख ले मैं, तेरे दिल विच मैं नहीं रहना, याद नहीं जीना वे मैं क्या, आ जावे माईया मैं क्या। चेक करें यार क्या व्यू है, मुझे ना ये जगह लिटरली पर्सनली बहुत अच्छी लगती है जगह, यहाँ पर आके ना मतलब देखें, एक तो झील है और पोएट्री के लिए बहुत अच्छी जगह है, और बस वैसे सुकून से। हमारे यहाँ का लोगों का मानना ये है कि लड़की साथ हो तो इन्जॉयमेंट होती है, मैं कहता हूँ लड़की साथ नहीं हो तब ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है, बंदा जो अकेला फील कर सकता है ना वो किसी के साथ फील नहीं होता, इसलिए आराम से कौन से अकेले घूमो। वो सामने वाली जगह आपने मेरे ख्याल देखी हुई मेरी वीडियोस में, वो सामने जो है वाइट वाइट देख रहे हैं आप, वो देखी होगी आपने, ये उस तरफ है जहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, व्लॉग्स भी बनाए हैं वहाँ के। और अभी मैं खड़ा हूँ लेक व्यू पार्क में, यहाँ पर सामने हमने अफ्तारी की थी, कहाँ पर वहाँ पर अफ्तारी की थी, और यह वो जगह है। और बस अब मैं सोच रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को पोइट्री की वीडियोस बनाऊँ, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। वो एक थी कि सरे हसीन थी वो फूल चुनकर लाती थी, मैं शेर कहता था और वो दास्तां सुनाती थी, ये फूल देख रहे हो ये उसका लहजा था, वो झील देख रहे हो यहाँ वो आती थी, मुनाफिकों को मेरा नाम जहर लगता था, वो जानबूझ कर गुस्सा उन्हें दिलाती थी, उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज़्यादा उसे रुलाती थी, वन ऑफ माई फेवरेट गज़ल। पता नहीं ये सामने बैठ के क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो एक सिक्योरिटी गार्ड आया हुआ है, वो उनको अपने किस्से सुना रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर बड़े कपल्स पकड़ता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ये अपने शुगर मेरे लगाए रखे हैं। मैं अब इनको उठाता हूँ जाके, बनाता हूँ अपनी पोइट्री की कोई 3, 4, 5, 6, 7, 8 वीडियोज़, और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। व्यू चेक करें यार, कितना मज़े का व्यू हो गया यार, छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। हाय हाय हाय, क्या मौसम है यार, बड़ा फैंटास्टिक व्यू, चेक करें पत्ते ले लहा रहे हैं, पत्ते नाच रहे हैं, आओ आपको झील का व्यू दिखाता हूँ एक दफा इस मौसम में, माशाल्लाह माशाल्लाह। कदमों पे आ झुके हसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, जरा सा प्यार वो दे दे, तेरे बिना जीना लगे वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है, तेरा दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तू दे दे, पलक कदमों पे आ झुके हसी लम्हात वो। हाय 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 हाय, हसी लम्हा, कितना खूबसूरत मौसम है यार, देखें देख लें आपको कौन सा ऐसा व्लॉगर होगा
जो आपको इतने प्यारे प्यारे व्यूज दिखाता होगा। ये ओनली अली जैनी है जो आपको इतने मजे मजे के व्यूज दिखाता है, इतने मजे मजे के वेदर आपको दिखाता है। और आपको क्या चाहिए, और अपनी जिंदगी में आप लोग क्या चाहते हैं? लाइक सब्सक्राइब फिर भी आप लोग नहीं करते, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और आगे शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, आके वो भी आके व्लॉग्स देखें। और आपका भाई थोड़ा जल्दी वायरल हो यूट्यूब पे, सामने पता है टिकटॉक शिकटॉक बना रहे हैं। और बस मैं हूँ कि अपना मौसम इंजॉय कर रहा हूँ, एक मैं हूँ कि उसकी याद में पड़ा हूँ, और एक वो है हाथों में मेहंदी लगाए फिरती है। हाय 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 हाय, कितनी बकवास पोएट्री की मैंने, उसके लिए शाबाश बोल दो। संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल उस राह पे ऐ घर मेरा जहां से अक्सर मैं हूँ गुजरा, शायद कहीं दिल ने मेरे आए, मेरा हाथ थक गया है बात करने को, कुछ रहा नहीं ना, आपने मुझसे कुछ कहा नहीं, मैंने रो रो के शब बसर कर लो, आपको कुछ असर हुआ नहीं ना। राह में मुझको यूं छोड़ने वाले जा तुझे माँ, ये किसी गाने में मुझे सुर नहीं लगता, बहुत टफ गाना है ये। जो मेरे तीन चार गाने हैं उन पर मैं सुर अच्छा लगा लेता हूँ, वो भी कोई तीन चार मुझसे भूल गएंगे मेरे तीन चार फेवरेट गाने कौन से हैं। आज के लिए वो चल रहा है ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, एक वो था मलंग सजना तेरी डोरिया नू लैके आज उठदा हवा च, भाई गानों की समझ लेंगे अपने, अब मैं अपने गाने अपने बनाता हूँ खुद, वो कुछ और बोलते मैं कुछ और बोलता हूँ। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो नजर आके काहे की उदासी है, नशा हूं मैं महकने दे मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दे, मुझको बरसात बना लो एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना दो नशा हूं मैं। देखिए मैं आपको गाने सुना रहा हूँ, कितना गुनाह मुझे मिल रहा है, गाने मैं आपको सुना रहा हूँ गुनाह मुझे मिल रहा है, जो जो सुनेगा उसको भी गुनाह मिलेगा। हाय 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 हाय, सारे जानू में जाएंगे, कितना मजा आएगा यार। बहुत ही वधिया किस्म का वेदर हो चुका है यार। मैं अच्छा आपको मैंने एक बात नोटिस की है कि मैं मतलब कोई 5 से 6 व्लॉग बना चुका हूँ लेक व्यू पार्क के, लेकिन मुझे फिर भी मतलब वो वाला मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए। खैर अब चलते हैं घर, ये मौसम भी ख़राब हो रहा है और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, लाइक मुझे वॉमिटिंग सी हो रही है। सुबह नाश्ता मैंने किया, नाश्ता करने के बाद मैंने ऊपर से गोल गप्पे खा लिए, इसकी वजह से थोड़ी तबीयत अप एंड डाउन हो रही है। अभी मौसम बड़ा अच्छे का था, बहुत ही अच्छा था, मुझे बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया, तबीयत लगता दिमाग पे चढ़ गई मेरे। सो यार खैर व्हाटएवर, जो भी है आज का व्लॉग इतना सही था, इतना शुगर मिला था, पिक्चर्स बनवानी थी लेकिन पिक्चर्स मेरी नहीं बन चुकी, नहीं बनवाई मैंने क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी नहीं सही और ऊपर से मौसम भी ऐसा है, बाल छाल सारे उड़ रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं। सो मैंने कहा तस्वीर बनाने का फ़ायदा नहीं, पैंट शर्ट पहन के आएंगे फिर अच्छी से प्यारी सी प्रॉपर से तस्वीरें बनवाएंगे। सो अब निकलते हैं घर, देखेंगे इतना कोई खूबसूरत किस्म का मौसम हुआ पड़ा है, बस निकलते हैं घर। तो गाइज मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल देखते हैं कल हम क्या कोई व्लॉग वगैरह बनाते हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो इंशाल्लाह विल बी राइट बैक, मिलते हैं आपसे कल, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।